एक्चुअली पुष्पा राज के जैसे काम कर रहे हैं थोड़ा। मरो लेके आओ। ऐसा मेहनत घर के लिए करता था घोर का लोग शायद मेरे को अच्छा बनता, भाई ये दुनिया के लिए करके कोई फायदा नहीं, फिर भी करना पड़ता है। फाइनली वो दिन आ गया जो इतने दिन से हम इंतजार कर रहे थे। मस्त जल रहा है भाई यार। ओ नो, क्या सीन है गाइस ये। हे गाइस, एक्चुअली मैं, आप कैसे हो? अच्छे हो ना? कोई बात नहीं, अच्छे हो तो भी अच्छे, नहीं हो तो भी अच्छे रहना। तो गाइस एक्चुअली मैं, ये नया ब्लॉग है। हम एक्चुअली में गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए गांव में एक त्योहार आता है मकर। तो गाइस ये बहुत बड़ा त्योहार है ना, क्या कहते हैं वही है वो मकर जो आता है ना, तो कुमा बनाना पड़ता है। तो एक महीने के बाद ही होगा, तो अभी से उसका सरंजाम करना पड़ेगा। तो गाइस हम निकल चुके हैं गांव के पास, उतना दूर जाना पड़ेगा उधर, पूरा लास्ट में उधर एक्चुअली खाल है, तो हम उधर जाएंगे और पाला काटेंगे। तो गाइस चलो जाते हैं इधर से उधर, भाई 1 किलोमीटर है, हम पैदल ही जाएंगे, कोई बात नहीं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा पेड़ है गाइस, इसमें सांप भी रहता है। तो गाइस आपके उधर मकर वकर होता है क्या? नहीं, लटा में पागलों घुस चुका है और कैसे खच खच करके कट रहा है, पागल का दम बहुत ज्यादा है। ओ माय गॉड, पागलों तुम्हारा मुंह इधर दे, थोड़ा सा थबड़ा दिखाओ। वाओ, पागलों ने देखो काट लिए। तो ये अभी से काट रहे क्योंकि इसको सुखाना पड़ेगा, फिर वो जलेगा डिगडिगा के। गाइस टिफिन चल, इधर देखो बिस्कुट बांटा है, सब लोग खाए हैं। मुझे खालदा में कभी खाए हैं आप? बहुत टेस्टी लगता है सीरियसली। ये कौन सा बिस्कुट है? ब्रांड मेरी प्लस। तो गाइस फाइनली बहुत काम कर चुके हैं और देखो इसको संभाल कर रख देंगे, कहीं हमारा ये बकरी खा जाए, इसलिए हम इसके ऊपर उसको संभाल कर रख देंगे, तो इसमें सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक लोग को उठाया जाता है, देखो कैसे वो बहुत कोशिश करके ऊपर उठ रहा है, पीछे से एक लोग धक्का दे रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा किरण ने ऊपर उठ चुकी है, तो गाइस देखो और ऊपर रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर रख देंगे, तो इसको कोई खा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो हमारा इधर सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर ही रख रहे हैं। एक्चुअली ये मिशन का घर है, पानी वाला मिशन, इधर देखो पानी वाला ओवरफ्लो पाइप है। तो ये गाइस फाइनली हम सभी काम कर चुके हैं, और भी काटना पड़ेगा। तो गाइस ये जो फल है ये बहुत बकवास वाला है, ये कहीं भी लटक जाता है, ये देखो उधर लग गया। तो गाइस उधर है किरण दिखाएगा ऊपर में कितने सारे हैं, फोन लेगा क्या? अबे मान नहीं, ये बहुत सारा है गाइस, किरण का कतार। तो इधर देख सकते हो, इधर कमल ने कुछ काटने का प्रयास कर रहा है, कुछ काट इधर वो मकर का पाला काट रहा है, देखो कैसे प्यारी से प्यार से काट रहा है आराम से। इसका जन्मदिन है आज, ये पार्टी देगा, इसका नाम है किरण पोलाट, और बहुत सारे लोग इधर मौजूद है, देख पा रहे हो इधर हमारा, हम भी कंफ्यूज है कब मकर है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको बहुत सारा चश्मा देखो, ये चश्मा है, ये किसका? पंडित का चश्मा नहीं थी। देखा, ये पंडित ने बारह मुंडा लगा के आया है। वाह पंडित का क्या। तो हम दिखाते हैं आपको चौकड़ी किधर छका हुआ है, हमारा इधर बहुत सारा चकड़ी मिलता है लाटा में। उस साइड में चौकड़ी मिलता है, बहुत लोग आके चौकड़ी छोड़ के जाता है, जो आज हम मार देता है थोड़ा थोड़ा। चौकड़ी दिखाने के लिए पागलू जा रहे हैं, चलो तुम आगे आगे चलो, हम पीछे जा रहे हैं।
पागलों के पीछे जाते हुए चकड़ी देखते हैं। पागलों हम लोग को चकड़ी दिखाएगा। तो गाइस चकड़ी किधर है पागलों? किधर किधर? तो गाइस उधर ही है चकड़ी। ओ ओ जूम करके दिखाएं। मरो लेके आओ भारी। गाइस देखो मकर कुमार करने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है। हम अभी मकर कुमार काटने देखो कैसे लाटे कांटे में चले हैं। और हमारा साथ मौजूद है हमारा कालिदास। तो बोका कालिदास ऊपर में है, देखो कैसे काट रहा है। जो पेड़ में उठाए उस पेड़ को ही काट रहा है। तो ये कालिदास का आखिरी नमूना, तो इसको हम काट लिए। इसको लेकर उधर जाना पड़ेगा बाहर में। तो एक एक ऐसे काट के बहुत सारा करेंगे हम। एक्चुअली पुष्पाराज के जैसे काम कर रहे हैं थोड़ा, तो मकर है ना ये तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए ये जो देख पा रहे छोटा सा पेड़ का डाल, ये छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा है। और इसका भाई 2 क्विंटल के आसपास है ऐसा ही लग रहा है। इसको इससे पूछेंगे तो पता चलेगा कितना वेट लग रहा है। डेढ़ किलो का 1 क्विंटल का। तो गाइस देखो बहुत सारा लोग इसको टान टान कर लेते हैं, हम भी लेके जाएंगे भाई। ये तो इतना भारी है भाई। हेलो गाइस, ऐसा मेहनत घर के लिए करता था घोर का लोग शायद मेरे को अच्छा बोलता भाई। ये दुनिया के लिए करके कोई फायदा नहीं, फिर भी करना पड़ता है। और कितना दूर लेना पड़ेगा? तो हम तो इधर खड़ा है गाइस, देख सकते हो उतना दूर लेना पड़ेगा। वो जो छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है ना सामने घर के पास, गाइस वहां से लाया हूँ। कैसे देखो इसका तो दम ही कुछ और है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उठा के ले जा रहा है भाई। मानना पड़ेगा इस आदमी को। ये देखो 4 लोग मिलके 3 को ला रही है। तो यही 1 को लेने में भाई हमारा तो फट गया। मकर करने से ऐसे एंजॉय मिलता है, ये एंजॉय थोड़ा अलग है। फाइनली वो दिन आ गया जो इतने दिन से हम इंतजार कर रहे थे, इतने मेहनत किए थे। तो गाइस वो दिन आज ही खत्म होने वाला है। तो गाइस देख पा रहे हो मेरे सामने जो कुमा है, ये एक्चुअली मकर संक्रांति को माना जाता है गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भाई। गांव का ये फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सभी लोग इस फेस्टिवल को मानते हैं। और इस फेस्टिवल को कैलेंडर में चेक करो तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति नाम में एक छुट्टियां है, तो उसी ये है फेस्टिवल। तो गाइस जितने भी ठंड लग गया तो उस ठंडे को भगाने के लिए ऐसे मकर कुमा बनाकर
एक एक दिन में भगाएंगे। तो गाइस यही है बड़ा फेस्टिवल। और सभी घर में बहुत सारा पीठा वगैरह होता है, जो सुबह समय पीठा ही होता है। तो गाइस बहुत बहुत टाइप पीठा होता है, उस पीठा को खाएंगे इसको जलाने के बाद। और इसका जलाने के लिए आज रात कैंप बैठेगा भाई, घर से सभी लोग चले आएंगे और एक साथ एक रात बिताएंगे। वहाँ पर म्यूजिक वगैरह रहेगा और पार्टी करेंगे। तो गाइस चलिए, ऐसा बहुत सारा कुआं बना लिए और भी बनाना चल रहे हैं। तो आज रात को जागने के बाद कल 3 AM को उठने के बाद जाएंगे हमारा आसपास का नदी, वो जो देख पा रहे हो ये जो नदी है, उस नदी में जाकर डूबेंगे। गाइस ये बहुत ही मज़ेदार है, जो नहीं डूबेगा उसको लेकर डुबाना पड़ेगा। तो ऐसे करने से ठंडा चला जाएगा, ऐसे ही मानना है। बहुत दिनों से ये चलते आ रही है। देख सकते हो हम इधर आके सुबह 3 बज के डूबेंगे इस खाल में। पानी बहुत कम है लेकिन डूबना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी कल रात एक्चुअली कल सुबह 3 में अगर ना डूबेगा नहीं जाएगा, तो ये डूबना पड़ेगा गाइस। ये डूबने के लिए देखो यहाँ पर तैयार हो रहा है कुआं। तो गाइस इधर डूब के इधर हम डूबेंगे और इधर आके आगुन सेकेंगे। तो गाइस देखते रहना कैसे, कल इंतजार करना। जब बजेगा तो हम जाएंगे सीधा वो जो पहले दिखाया था।
खाल, दो खाल जाएंगे उधर डूबेंगे और बहुत सारा घुमा फूल के नाच के नाच नाच के रहेंगे। तो गाइस इधर दो लोग बैठाए हुए हैं और उस साइड में डांसिंग चल रहा है। तो गाइस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मकर पर्व गाइस, मकर पर्व गाँव का बहुत बड़ा फेस्टिवल। तो गाइस चलो सेटअप किया है। तो गाइस ये हमारा कैंप है, इधर हम रहते हैं, बहुत टाइम हो गया और अभी हम निकल जाएंगे घुमा जलाने के लिए। तो गाइस रात अभी 3:30 बजे और हम जा रहे हैं मकर जलाने के लिए और मेरे साथ बहुत सारा है, देख पा रहे हो ये सभी लोग, हम जा रहे हैं। तो गाइस चलो। तो गाइस हम फाइनली आ गए और ये देखो अभी कुमार जलाएगा, तो इसके पास बहुत सारा बम है, अभी इधर बम फटाएगा। देखो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ए कुलकुली मारो, ओ नो, कुमार जलाएंगे, देखो जला रहे हैं लक्की ने। तो अभी डिगडिगा के जलाएगा। तो गाइस अभी जलेगा, ए मकर, ए मकर। तो गाइस इधर हम मकर को जला दिया और उस साइड में लोग डूब के आएंगे और हम भी डूबे। अरे कुलकुली मारो रे, तो गाइस देख पा रहे हो फाइनली मकर जल गया और हम अभी नहाएंगे, तो थोड़ा देर हो गया। मकर बम फटने वाला है, देखो फट गया। तो गाइस हम अभी उधर जाके नहाएंगे इस खाल में, तो इस खाल में ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ नजर आ रही है, तो हम उधर ही जाएंगे। तो गाइस चलो। कितने ठंडे, तो गाइस और एक चला गया। अरे जा रहे भाई जा, ये डर रहा है जा। गमछा चिटका नहीं हमें गाड़ी की। तो गाइस फाइनली हम नहा लिए और मकर कुमार जल रहा था, तो हम इतना देर कर गए कि मकर कुमार जल के ख़त्म हो गया। तो उधर देखो थोड़ा थोड़ा आग पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो गैस अब जाएंगे और एक दूसरा जलाएंगे। तो गैस बहुत ही इंजॉय हो रहा है। तो गैस इधर देखो ये भी नहा लिया और बहुत सारा। तो गाइस रात को इस प्लेस कैसा दिखाई दे रहा, देख सकते हो। और हम दूसरा जलाने जा रहे हैं, ये रास्ता नहीं चलो, ये तो को ठंडा और दूर से नहीं के हम काटा। अरे तो तो हे डर मकर के धरो, मकरे मकरे नहीं मकरे भाई कैम जला के तो गाइस बहुत आग जल रहा है और हम जो नहाए थे, तो गाइस कुछ भी ठंड नहीं है, जो इतना आग जलेगा तो ठंड कैसे लगेगा। तो गाइस बहुत ही मस्त है, तो ऐसे ही मकर माना जाता है। तो अभी हम ऐसे जला जला के जाएंगे घर के पास और उधर जाके हम खाएंगे पीठा।
तो गाइस देख पा रहे हो उधर देखो सूरज उठ रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, वो धबने सर में जला रहे है। और इस साइड में देखो ये वो नो क्या सीन है गाइस, ये नोरोडी में जल रहे है। और ये देख पा रहे हो ये हमारा धोबनी सोल में जल रही। तो गाइस और भी दिखाते हैं, ये हमारा है, ये अभी खत्म हो गया। और ये जो देख पा रहे है ये कुल्ढिया में। तो गाइस और उस साइड में जो दूर में दिखाई दे रहे है वो रामकृष्णपुर में जल रहा है। और इस साइड में देखो गाइस ये पूरा डायरेक्ट कोरमगुट में जल रहा है। तो गाइस हम इधर से हम पूरा टोटल एरिया दिखा दिए, तो हम दूसरा जलाने जाएंगे। चलो फाइनली और भी खत्म करना पड़ेगा, और भी बहुत सारा है। तो गाइस और भी तीन है, तो उस साइड में देख पा रही हूँ। तो गाइस लास्ट में जो जलेगा उसका नाम है बूढ़ी कुआं। तो गाइस बूढ़ी कुआं का मजा ही कुछ और है, तो वो लास्ट में जलेगा, गांव का सभी लोग आएंगे और बहुत ही मस्त से उसको जलाएंगे। वो लास्ट वहां से ही ठंडे को भगाएंगे। तो गाइस वो जलाने के बाद ही हमारा वो ठंडा खत्म होगा। तो गाइस अभी सुबह सुबह का नजारा देख सकते हो, कितना फॉग है चारों तरफ और हम इधर कुआं जलाते हुए नजर आ रही है और बहुत सारा गांव का बच्चे। तो गाइस हम अभी ये जो देख पा रहे कुआं उस पास जाएंगे और उसको जलाएंगे। वो लास्ट में और भी एक है और बहुत मजेदार है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो और एक जलाते हैं, फिर लास्ट में जलाएंगे बूढ़ी कुआं। तो गाइस ये फॉग के साथ जो मस्त सब लोग कैसे लग रहे हैं। और गांव का सभी दोस्त अलग चले आए। कौन दे पड़ गए इधर पार।